अप्पा साय आवचरे 155 वार्ड से लड़ रहे हैं, जानेंगे जिस तरीके से हर जगह पर यहाँ पर मारामारी छिड़ी हुई है, हर एक पार्टी में जिस तरीके से लोग प्रत्यारोप आरोप का दौर शुरू कर चुके हैं, जिस तरीके से लोग अब मैदान में उतर चुके हैं, आखिर इन्होंने किस तरीके की तैयारी की है। आपके वार्ड में जानेंगे जिस तरीके से यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप और गठबंधन टूट रहा है, बन रहा है, आप किस तरीके से अपने वार्ड में लोगों से मिल रहे हैं? लेकिन हमारा तो गठबंधन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय समाज पार्टी और शिव संग्राम, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवलेगढ़, इनका सब गठबंधन हो गया है और उनके गठबंधन से, वो महायुति से, मैं इधर से उम्मीदवार हूँ। लोगों के बीच में किस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरीके से हर एक पार्टी ने अपना एजेंडा लाया है, जिस तरीके से हर एक किसी ने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया है, आप लोग किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं? हमने हमारा भी घोषणा पत्र दिया है, 2014 से आज तक जो देश में क्रांति हो गए है, जो डेवलपमेंट आ रहे है देश में, महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट आ रही है, जैसा प्राइम मिनिस्टर 2017 में बन गए, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, और आज मुंबई का भी वो सपना साकार हो जाएगा कि उसके अंदर बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का महापौर बन जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन आप जिस तरीके से, अगर आपके वार्ड की बात करें, स्थानीय लोगों से क्या मिलकर, जिस तरीके से हर किसी ने गटर नाले या साफ सफाई की बातें की हैं, आपने क्या लोगों के बीच में मुद्दा रखा है अपना? मैंने प्राइम मिनिस्टर का स्कीम डेवलपमेंट इधर इम्प्लीमेंट किया है, उनका सर्वे किया है, पेंशन योजना लागू करने का हमने पूरा काम किया है, वो फाइनल स्टेज पे, नल गटर रास्ता ये तो सब कारपोरेटर करते ही, लेकिन उसके अलावा जो ज्येष्ठ नागरिक है और जो निराधार है, उनके लिए सरकार ने कुछ तो देना चाहिए, सरकार का योजना है, लेकिन सरकार का योजना है फिर भी वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचता, इसके वजह से वो हमने काम किया है, और वो जो काम किया है हमने, वो हमारा काम लेके हम जाएंगे कि जिस तरह से गवर्नमेंट का कोई भी इश्यू रहने दो, जो गवर्नमेंट ने आज तक जो काम किया है वो ग्राउंड तक मिलता नहीं है, गवर्नमेंट का योजना ग्राउंड तक जाता नहीं, वो पूरा योजना हमने इधर ये राजगढ़ एसआरए, जो हम इधर खड़े राजगढ़ एसआरए से, ये भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, वो पहला हमने चेंबूर में इधर चालू किया है, और ये चेंबूर के अंदर पहला एसआरए हमने बनाया है। दूसरी बात ऐसा है कि गवर्नमेंट के थ्रू हमारे राजगढ़ ज्ञानपीठ सार्वजनिक ग्रंथालय संस्था हमने बनाया है, ये सब जो काम हमने आज तक किया है, एक काम के हिसाब से, वो काम के ऊपर हम वोट डालेंगे, वोट मांगेंगे लोगों को, और लोग हमको वोट देंगे, क्योंकि जो नगर में कॉरपोरेटर रहता है, जिसका ज़्यादा सहयोग लोगों के साथ रहता है, लोगों के साथ जिनका रिलेशन रहता है, वो आदमी चुन के आता है, और मेरा रिलेशन हर आदमी के साथ है और हर कम्युनिटी के साथ है, सबके साथ, जो मोदी जी ने कहा है कि सबके साथ सबका विकास, वैसा ही हमने इधर इम्प्लीमेंट किया है, और शुरू से हम 20 साल से वही काम कर रहे हैं कि हम लोगों का विकास या हमारा विकास, और हमने सबको साथ लेके ये सारे बनाया, ग्रंथालय बनाया, हमारा राजगढ़ न्यूज़पेपर है, राजगढ़ नगरी वीकली है, और लेबर यूनियन है, ये सब के माध्यम से हमारा प्रचार चालू है, और वो सब लेके राजगढ़ ज्ञानपीठ सार्वजनिक ग्रंथालय भी है, और इसके साथ साथ जो हमने काम किया है लोगों को पर्सनल लेवल पे, जो काम किया है आंगनवाड़ी बालवाड़ी, जो भी जिधर जिधर काम किया है उसके ऊपर मैं वोट मांगूंगा। जिस तरीके से सर अगर बात करें हम, तो बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, काफ़ी जो बड़े पैमाने पर जो है बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतार रही है, लेकिन इस बार यहाँ से आपको क्यों यहाँ पर सीट मिली है? बहुजन समाज के नेते माननीय नामदार महादेव राव जानकर, ये बहुजन समाज के नेता हैं, और ये खाली पर्टिकुलर कास्ट का कभी नाम नहीं लेते, वो बहुजन का काम करते हैं, इसीलिए उनके पार्टी का नाम है राष्ट्रीय समाज पार्टी, और ये राष्ट्रीय समाज पार्टी का मेन पर्पज़ यही है कि गरीब, जितने गरीब लोग हैं, जितने गरीब का गरीब आदमी का भला होना चाहिए, वो उनका सोच है। जानकर साहब ने ये सोचा कि इधर जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले उसका विकास नहीं हो रहा है, और हमने ये पहला ये सारे इधर बनाया, और ये जो काम हो रहा है ग्राउंड से, ये दूसरा कोई काम नहीं करेगा, कोई भी आदमी चुन के आता है तो वो काम नहीं करता और अधूरा काम रहता है। इसके वजह से जानकर साहब मिनिस्टर में, हमारे गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट के अंदर जो भी हमको ज़रूरत पड़ेगी वो पूरा जानकर साहब हमको मदद करेंगे, सरकार को बताएंगे, और इधर का जो जितना भी अधूरा काम है पूरा करने के लिए मेरे को ये सीट छोड़ा है।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर आप बात करें, अगर आप चुनकर आते हैं तो कई सारे डेवलपमेंट यहाँ पर होना बाकी है। चेंबूर इलाका काफ़ी बड़ा है, हर एक मध्यम वर्ग की या हम कहें अच्छे से अच्छे लोग यहाँ पर, उच्च वर्ग के लोग भी रहने वाले हैं, लेकिन खास करके किन लोगों के लिए काम करना चाहेंगे आप? मैं भी झोपड़पट्टी में रहता था, आज कोई भी बाहर से आदमी आएगा तो वो बोलता है बिल्डिंग में रहता है। हर आदमी का एक सपना होता है अपना खुद का घर होना चाहिए। झोपड़पट्टी में रहने वाले हर आदमी का एक सपना होता है कि मेरा पक्का, जिसको कोई डिमोलिशन नहीं करेगा। और हर जगह पे जो जिधर जिधर ये सारे बनाए, ये सारे का काम अधूरा है, वो पूरा अधूरा काम मैं पूरा करने वाला हूँ। और जो करने की क्षमता है वो मेरे में है, मेरे साथ सरकार है और मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर भी है, वो सबको साथ लेके मैं इधर का अधूरा पूरा काम कम्प्लीट करूँगा। धन्यवाद। जिस तरीके से आचार्य जी का मानना है कि सबका साथ सबका विकास है, वही लेकर वो आगे बढ़ेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। कैमरामैन किरण के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ इंडिया टीवी मुंबई। महानगर पालिका चुनाव नज़दीक आते ही हर पार्टी जो है मैदान में उतर चुकी है। जिस तरीके से बात करें तो उतार चढ़ाव सभी देख रहे हैं, लेकिन आरोप और प्रतिआरोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन हमारे साथ इस समय शिवसेना के एमएलए मंगेश कुडारकर जी हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से शिवसेना है वो किस तरीके से एजेंडा अपना लेकर लोगों के बीच में जा रही है, आखिर क्या क्या जो चीज़ें अब तक नहीं हुई है उनके इलाके में वो किस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। सर, जिस तरीके से हर कोई अपना एजेंडा लेकर इस बार लोगों के बीच जा रहा, आप लोग किस तरीके से, शिवसेना किस तरीके से क्या एजेंडा लेके लोगों के बीच जा रही है? शिवसेना मुंबई की सुरक्षितता और मुंबई का विकास, यही एजेंडा हमारा है और पहले भी था और आगे भी वैसा ही रहने वाला है। और जो भी काम हमने करके दिखाया है वो जनता के सामने है और आगे भी हम जो काम करेंगे और उसके नतीजे भी आपके सामने जल्दी आएंगे। और जिस तरह से हमने बारिश में, जैसा 2006 में पूरी मुंबई में एक मीठी नदर के नदी के विषय में पूरे मुंबई में एक अलग तरह से अलग तरह का माहौल था, लेकिन इस टाइम अगर आप देखेंगे तो हमारे इधर पूरे मुंबई में क्या, हमारे कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में किधर भी बारिश की वजह से पानी किधर भी नहीं जमा। और इसकी वजह यह है कि जो हमारे नाले का काम था वो बहुत अच्छी तरह से हुआ, वाइंडिंग भी अच्छी तरह से हुआ है और इसकी वजह से स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी हमारे अच्छे हुए हैं। जो काम हमारे कॉरपोरेटर ने किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से करने की वजह से पूरे कुर्ला विधानसभा में अच्छा माहौल है विकास का, और विकास अच्छा होने की वजह से हमने इधर का काम जो अच्छा किया है लोगों के सामने है। सर, जिस तरीके से अगर पार्टी की बात करें तो कई सारे उतार चढ़ाव आप भी देख रहे हैं, जिस तरीके से शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को लेकर भी काफ़ी इश्यूज हुए, इसका फ़ायदा दूसरी पार्टी को कितना मिलेगा? नहीं, पिछले विधानसभा में हमारी युति नहीं थी, लेकिन तब भी हमें कुछ फ़र्क नहीं गिरा, तो इस बार भी हमें कुछ फ़र्क वैसा गिरेगा नहीं। और हम सिर्फ इतना ही, हमारे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात मैं कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी कैसा काम कर रही है, किसके विरोध में बोलना, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि अच्छी तरह से लोगों को काम करके दिखाना और उनको समझाना कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, आपको और मुझे चाहिए। सर, जिस तरीके शिवसेना की अगर हम बात करें, आप अपने आसपास के इलाके में जिस तरीके से कई आपके अंडर में भी आएंगे, उन लोगों को क्या एजेंडा देंगे, किस तरीके से लोगों के बीच जाकर काम करना है उन्हें? लोगों के बीच हमारे जो उम्मीदवार जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि हमारे MLA ने, हमारे कॉरपोरेटर ने जो काम किया है वो आपके सामने है। और आने वाले इलेक्शन में अगर आपने नगर सेवक को वापिस एक बार हमारे शिवसेना के चुन के दिया तो ज़रूर ही हमने कुछ मकसद या कुछ हमारे विकास काम हमारे फिक्स है, हमारे ध्येय है कि कुर्ला विभाग का अच्छी तरह से विकास करना, और इसीलिए हम प्रयत्न करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हर कोई अपना एजेंडा लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मंगेश कुलारकर जी का कहना है कि जिस तरीके से उनके आसपास का इलाका है वहाँ पर अगर शिवसेना चुनकर आती है तो रुके हुए काम जो अब तक नहीं हुए वो उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन किरण के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ इंडिया टीवी मुंबई। प्रवीणा जी मोरस्कर जी हमारे साथ में हैं, जो इस बार
हम बात करें तो 169 कुर्ला वार्ड से इलेक्शन के लिए तैयार हो रही है। हम उनसे जानेंगे जिस तरीके से हर जगह पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से हर कोई मैदान में उतर रहा है, हर कोई अपना एजेंडा लेकर लोगों के बीच जा रहा है। इनसे जानेंगे क्या कि ये क्या एजेंडा लेकर अब लोगों के बीच जा रही है, आखिर क्यों लोग इन्हें चुनकर लाएँ। आपसे जानेंगे क्या एजेंडा है आपका, किस विषय को लेकर, खास करके यहाँ पर कुर्ला काफ़ी बड़ा इलाका है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर मिलते हैं, तो क्या एजेंडा लेकर लोगों के बीच जा रही हैं, क्या सोचती हैं? देखिए, मैं एक महिला हूँ और महिला होने के हिसाब से मैं अपने एरिया में ज़्यादा से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो हमारे वरिष्ठ बुज़ुर्गों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो भी समस्या है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, उनके लिए कुछ ज़्यादा करना चाहती हूँ। मैं स्कूल के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए ज़्यादा कुछ करना चाहती हूँ। अगर आप इस बार चुनकर आते हैं, जिस तरीके से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रुकी हैं, जैसे हर कोई चाह रहा है कि अगर हम एनसीपी की बात करें तो वो पानी की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, हर एक अलग अलग चीज़ों को, सब्जेक्ट को उठाकर वो लोगों के बीच में जा रही है। आप किस सब्जेक्ट को लेकर लोगों से मिल रही हैं या उनकी समस्याओं को किस तरीके से निवारण करने की आप कोशिश करेंगी? वैसे देखा जाए तो पानी की समस्या वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोलते हैं। कुर्ला एरिया में किसी भी पीने के पानी की समस्या किसी को भी नहीं है, किसी बिल्डिंग में, किसी इलाके में नहीं है। यहाँ के जो पहले वाले 3 वार्ड का मिलके अभी 1 वार्ड हुआ है, पहले 3 यहाँ पे नगर सेविका थी शिवसेना की, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम किया है। उनका जो भी काम था वो अच्छी तरह से उन्होंने अपना कार्य 5 साल में कार्य कंप्लीट किया है, पूरा किया है। इतनी बारिश हुई अभी लास्ट टाइम, बारिश में थोड़ा भी पानी यहाँ पे जमा नहीं हुआ था, नागरिकों को पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, प्रवीणा जी का कहना है कि जिस तरीके से वो एक महिला है तो खास करके वो महिलाओं से मिलेगी और उनके लिए कुछ ना तो कुछ करना चाहती हैं। कैमरामैन किरण के साथ प्रेमलता मौर्या, आवाज़ इंडिया टीवी, मुंबई।